बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार सर के साथ काम कर रही हूँ. पहली तो इसी चीज़ की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है. और सेकंड चीज़, मेरा कैरेक्टर बहुत ही प्यारा सा है. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती हूँ अभी आपको, पर आई होप कि आप सभी को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा. बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. बाकी कुछ कैरेक्टर के बारे में, सॉरी, माय रोल इज बेसिकली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की बिलोंग करती है और वो कैसे बहुत रिच बनती है, उसके बाद कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग एंड ऑल, तो कैसे उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती है, बस इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है. आजकल वेब सीरीज में काफी बोल्ड सीन देखने को मिलते हैं, तो आप कितने तैयार हैं बोल्ड सीन देने के लिए? देखिए, बोल्ड सीन बेसिकली कहा जाए तो बोल्डनेस मेरी नजरों में देखने वाले की नजरों में खूबसूरती की बात है कि वो उस कैरेक्टर को बोल्ड देखता है, उस कैरेक्टर को प्यार से देखता है, किस तरीके से देखता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आईज. और बोल्डनेस की बात की जाए तो बेसिकली इससे पहले मैंने एक फिल्म की है बीए पास 3 जिसमें मैंने काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर किया है, पर आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कुछ मुझे चेंजेस लगे इस चीज़ को लेके. जस्ट जो परिवर्तन हो रहा है, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आज सभी आर्टिस्ट की बात की जाए या लोगों की बात की जाए तो उन्हें डिजिटल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है. पहले जैसे सिर्फ टीवी था या फिल्म्स थी, अब वेब सीरीज आ गई हैं, एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है, ज़्यादा हम फिल्में देख सकते हैं, ज़्यादा हमें कंटेंट मिल रहे हैं और काफ़ी कुछ. एक्चुअली मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की, मतलब क्योंकि जैसी मैं हूँ रियल लाइफ में वैसा ही कुछ कैरेक्टर है मेरा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. अबाउट दिस प्रोजेक्ट, या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. I feel really blessed and lucky, fortunate that I got this part. So yeah, I'm eagerly waiting and looking forward to, you know, begin work with this one. ये किरदार rags to riches की story है basically. From nobody to become someone who is ruling the roost, who is doing everything possible under the sky. ये एक दूसरी तरह की दुनिया है जिसमें आपको ये ले जाएगा, like the name suggests, online 24/7. एक ऐसी दुनिया जिससे हम सब लोग वाकिफ नहीं हैं, वो एक उस तरह का एक्सपीरियंस होगा, वो दुनिया दिखाई जाएगी. सो ये जो मेरे किरदार के बारे में शायद आप पूछ रहे थे, सो ये एक सिंपल सा लड़का है जो कुछ नहीं है लेकिन कैसे डेस्टिनीज को कहाँ से कहाँ पहुँचाती जाती है. अल्टीमेटली वो एक जो करता है मैं पूरा बता नहीं सकता, उसका वो किंग बनता है कैसे, तो उसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जर्नी है. आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट दिस वर्ल्ड विच आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ हाउ पीपल डील विद इट. So yeah, I'll have to get quite a few things about it. Vipul's going to help me great with this one. The work is still on. I'm going to start gambling pretty soon because this guy is a huge gambler, big gambler. देखिए, एक्टर के लिए कोई जरूरी नहीं होता रियल लाइफ सब कुछ कनेक्टेड हो, एंड दैट्स वेयर द फन पार्ट बिगिन. क्योंकि मैं वो नहीं हूं लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मुझे अपनी सिमिलैरिटीज ढूंढनी होंगी, डिफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा पहलू है जो उसके करीब है, उस पर बिल्ड कर करके उस कैरेक्टर को मुझे शेप अप करना है. सो पहले इंपॉर्टेंट होता है उस दुनिया को जानना और कैसे वहां तक पहुंचूंगा, तो वो इंटायर प्रोसेस जर्नी है. सो नहीं, मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है मुझसे, बहुत ही अलग है, लेकिन उसको अपने साथ, मतलब उसके ऐसा मुझे बनना है. सो दैट्स अ प्रोसेस. Yes, actually, in fact, we have worked earlier also. We have worked together, or on 4th of November, हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. एक हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. This is our second project, and yes, coincidentally. Yeah, we're going to talk much about that project, which is coming very soon. So yeah. Thank you so much. We just took pictures together.
Let's do it. देखिए सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप सब ने मुझे आमंत्रित किया है, और इसे भी बॉलीवुड के लिए यह साल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। 23 अक्टूबर से बहुत अच्छा ये साल रहेगा, और दिल की गहराइयों से जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी कलाकार हैं और जितने भी प्रोडक्शन हाउस, हम सबको बताना चाहते हैं कि आपका जो सब्र का फल है वह मीठा होने जा रहा है, आप सबके जीवन बहुत सारे आनंद का योग बनते जा रहा है। जय माता दी। I would like to congratulate Mr. Sanjay Sharma for his fabulous, fabulous project, and I'm looking forward to watch it. Thank you. I changed it quite fast. How do I look? Thank you. So then we Big Boss 16 start ho gaya hai. Sabhi aap log bahut preview de rahe hain. Aapko kya? I am watching. I mean, they all are good, yeah. They all are good. Koi contestants jo aapke favorite hai ya fir aapka koi friend hai? Not my friend, but I mean I understand because I've been in lockup, so I understand, you know, कि जब आप कैमरे के सामने 24 घंटा रहते हो तो क्या हालत होती है। तो माई सपोर्ट इज फॉर एवरी वन, आई होप द बेस्ट वेन। थैंक यू। बताया कि आप लॉकअप में भी थी, तो अगर आपको अगर चांस मिलता है बिग बॉस में जाने का, जैसे कि पहले भी आपने अनुभव लिया ही है, अगर जाने का मौका मिलता है तो क्या कुछ इस्तेमाल आप करेंगे सभी कंटेस्टेंट्स को कितना टक्कर देने के लिए? नहीं बाबा, मैं बहुत छोटी हूँ, बट या आई मीन इफ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू गो। थैंक यू। This is the era of online business. This is the era of you know, digital business, and I'm sure any sensible venture, you know, in this particular category, which is online, digital, OTT, whatever it is, you know, if any business which understands the sentiments of the consumer, the pulse of the consumer, will do well. So I'm looking forward. Hopefully online 24/7 also will be an excitingly successful venture. Thank you. Ready? यस, जो दहकती आवाज़ है यही बताती है कि इसमें कंटेंट की तरह सॉलिड है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अब मीडिया के लोगों के बीच आकर कोई सेलिब्रिटी या कोई कॉमेडियन जब भी कंटेंट की बात करेगा तो उसे यानी मुझे बहुत कमाल की एक्सपेक्टेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही कमाल की टीम है, क्रिएटिव्स बहुत सॉलिड है, और स्टार कास्ट, सो और होप फॉर द गुड। थैंक यू।